जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जो एम्स का रिपोर्ट आने वाला था उसमें आखिर ऐसा क्या निकला जो पब्लिक में हलबली मच गई है। जो सुशांत सिंह राजपूत केस में एम्स के डॉक्टर डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी जो थे उनका क्या बयान आया है। जी हाँ दोस्तों, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके सामने लेके आए उस सारी सच्चाइयों को और जुड़े रहे हमारे साथ। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्दे की, डॉक्टर सुधीर गुप्ता की। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इनकी जो बैक स्टेटस रही है वो भी काफी खराब रही है। ऐसे दो केस आए थे इनके पास जिनको इन्होंने इसी तरीके से सॉल्व किया, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुशांत सिंह केस का क्या होगा। तो खैर चलते हैं मुद्दे पे। तो दूसरी बात, इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का जब मर्डर हुआ तो ये स्पॉट पे आए थे और इन्होंने कहा था कि ये जो है 200% मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है। क्या कहा था इन्होंने, 200% मर्डर है, इट्स नॉट सुसाइड, ये सुसाइड नहीं है। चलो जी बढ़िया, तो इन्होंने कहा था कि सुसाइड नहीं है। और अब जो है पीआर मीडिया, जो कुछ न्यूज चैनल जो है पीआर मीडिया का काम करती है, तो वो न्यूज चैनल जो है उन्होंने खबर को लीक कर दिया 2-3 दिन पहले ही। डॉक्टर सुधीर गुप्ता का बयान आ चुका और डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा है कि ये सुसाइड है, ये होमोसाइड नहीं है, ये मर्डर नहीं है। कैसे भैया, कैसे हैं, नशे में थे क्या डॉक्टर सुधीर गुप्ता, ऐसा उन्होंने कैसे कह दिया, जबकि उन्होंने कुछ दिन पहले तो ये कहा था कि ये जो है ये 200% मर्डर है। देन फिर वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि एक सुसाइड है, कैसे बोल कैसे सकते हैं कि सुसाइड है। एक आप एक अच्छा लेवल मेंटेन करते हो डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप जो है एक अच्छा लेवल मेंटेन करते हो, और जवाब आपकी जो भी आ रही है वो गैर जिम्मेदारी वाली जवाब आ रही है, जनता जो है इससे सेटिस्फाइड नहीं है। आखिर जिस डॉक्टर ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि ये मामला जो है ये एक मर्डर मिस्ट्री का मामला है, ये सुसाइड नहीं है, तो फिर अभी आप कैसे कह सकते हो कि ये सुसाइड है। जी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी की जो है कॉल रिकॉर्डिंग लीक कर चुका है रिपब्लिक भारत, उनकी सारी सच्चाई सामने आ गई दुनिया के। और आप सबको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हम सबको भटकाया जा रहा है, ये तरह तरह के कांड करवाए जा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर से बात हट जाए। कैसे हट जाएगी यार, ऐसे कैसे हट जाएगी, हम सुशांत के फैन 4 महीने से पीछे पड़े हैं जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, तो कैसे खत्म करवा दोगे। तो जी आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रिपोर्ट अभी तक फाइनल रिपोर्ट जो है एम्स का वो नहीं आया, कुछ पार्ट्स लीक हुई है और पार्ट्स लीक होते ही पीआर टीम के पास पहुंच गए और पीआर टीम जो है इस न्यूज को फैलाना चालू कर दिया, सुशांत सिंह राजपूत का जो है वो सुसाइड हुआ है, मर्डर नहीं हुआ है। ये पीआर मीडिया ही कर सकती है, बिका हुआ मीडिया, बिका हुआ न्यूज चैनल ही ये कर सकता है, जिसने अपने जमीर को बेच लिया है, जिसे थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, वही ये काम कर सकता है। और दूसरी मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जैसे ही रिपोर्ट लिख किया और इनका स्टेटमेंट आया कि इन्होंने रिपोर्ट नहीं लिख किया, तो जनता का सवाल था कि रिपोर्ट जब आपने लिख नहीं किया तो इस न्यूज चैनल ने कैसे पब्लिश किया कि सुशांत सिंह राजपूत का जो है वो होमोसाइड नहीं है, वो एक सुसाइड है, मर्डर नहीं है, वो एक सुसाइड है, ये कैसे लीक हो सकता है। तो उनका कहना ये था, उस रिपोर्ट में जो है कुछ पार्ट्स को लीक किया गया है जिसके मिहाब पे न्यूज चैनल जो कह रही है वो सुसाइड है। इस चीज पे सीबीआई ने भी इनको फटकार लगाया कि हाँ भैया, किस साइड से आप कह रहे हो कि ये सुसाइड है, हमें बताओ, हमें क्लियर करो। जब सीबीआई भी अभी ये चीज नहीं कह रही है, हालांकि सीबीआई भी 302 के एंगल से भी जांच कर रही है, एक मर्डर एंगल से भी सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सीबीआई ने अभी तक क्लीन चिट किसी को नहीं दिया और किसी को अभी तक अरेस्ट भी नहीं किया, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, और ना ही किससे अभी तक पूछताछ की जा रही थी बीच में। तो सीबीआई जो कर रही है वो कर रही है, फाइनली सीबीआई ने जो स्टेटमेंट दिया है वो सीबीआई ने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये जो है एक मर्डर ही है, मर्डर के एंगल से ही मैं इसको जांच कर रहा हूं। तो सुधीर गुप्ता जी को जो है डांट फटकार पड़ी। दूसरी बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्रालय ने डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी को समन भेजा और उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। जी हाँ, कि आपने कैसे सुशांत केस को मर्डर में कन्वर्ट कर दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंकित आचार्य जो सुशांत के फ्रेंड थे, जो सुशांत के केयर टेकर थे, अंकित आचार्य और गणेश तिवरकर, इन दोनों का ऐलान है, इन दोनों ने कहा है कि अगर सुधीर गुप्ता बिक चुका है तो हम उसके घर के आगे धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, और होना चाहिए।
क्योंकि डॉक्टर को जो है भगवान का एक रूप माना जाता है। फिर आपने डॉक्टर सुधीर गुप्ता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू नो दैट कि हाउ कैन यू से दिस टाइप ऑफ वर्ड, हाउ, कैसे? पहले आप कुछ बताते हो, बाद में फिर कुछ बताते हो, अपनी ही बातों से मुकर जाना, ये कहाँ का इंसाफ है? और मैं सबसे बड़ी बात तो ये पूछना चाहूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर मिस्ट्री का जो ये रिपोर्ट था, सुशांत सिंह राजपूत का जो ये रिपोर्ट था, इसमें इतने डीले क्यों हुई? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख क्यों दी गई डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी? तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल अनुज एनालिसिस को और जुड़े रहे हमारे साथ। हम आपके पास सबसे पहले लेके आते हैं इंटरटेनमेंट से जुड़ी हर खबरें। जी हाँ दोस्तों, तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा।